शेख वानजीम बिसमर मेरे प्यारे बहन और भाई उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजिम सब्सक्राइब कर लें तो इन आपका जो भी मसला परेशानी है वो हल हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से आज जब मैं अमल आपको बताने लगी हूँ अमल एक बेशभा कीमती ख़जाने की तरह है अल्लाह का जो नाम मैं आपको बताऊँगी अगर वह आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं और वाकई ही उसमें आप कामयाब हो जाते हैं तो इन आपका जो भी मसला है वो हल हो जाएगा ये इस सम जो मैं आपको बताऊंगी एक हज़ार मरतबा आपने पढ़ना है उसके बाद अगर हस्बैंड वाइफ का मसला है या परेशानी है तो जब जो वाइफ है जो बीवी है वो खाने जब पका रही हो पढ़ते हुए ये ज़िक्र जो करना है उसने या वह का जिक्र है ये पढ़ते पढ़ते खाना बनाए फिर जब उसका शोहर आए तो फिर वो खाना दे कोशिश करें मीठी चीज़ बना ले तो ज़्यादा है नमकीन बनाए तो कोई बात नहीं तो मियाँ बीवी में भी आपस में इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि आपकी सोच है और इन आपके अगर आप इसका विरद ज़्यादा करते हैं तो पूरी ज़िंदगी के लिए इन कभी दूरी नहीं होगी लड़ाई नहीं होगी और ना ही कोई किसी आपसे झगड़ा करेगा और जिनके प्यारे दूर जा चुके हैं जो नाराज़ हैं रूठ गए हैं और वो वाकई ही चाहते हैं कि उनका जो प्यारा है वो मान जाए तो दो काली मिर्च लें दो काली मिर्च लें और दोनों काली मिर्च के ऊपर दो मरतबा एक एक मरतबा अपना नाम दूसरी दूसरी काली मिर्च पे और लड़की का या लड़के का नाम जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं वो नाम लें लेने के बाद या वुदू की तस्वीर को तैतीस मरतबा आप पढ़ें पढ़ने के बाद उनके पर दम कर दें पहले दो काली मिर्च लेनी है उस पर अपना नाम फिर दूसरी काली मिर्च पे अपने प्यारे का नाम फिर तैतीस मरतबा यावदू पढ़ के उसके ऊपर दम कर दें ये एक मरतबा का दम कंप्लीट हो गया दूसरी मरतबा भी इसी तरह करें तैतीस मरतबा याहदूद पढ़ के इसको आप दम कर दें काली मिर्चों को ठीक है अब दो मरतबा हो गया तीसरी मरतबा का आपने क्या करना है काली दोनों जो मिर्चें होंगी उनको अपने हाथ की हाथ में आपने रखना है और ज़ोर से दुबा लेना है उसके बाद आपने जब याव दुदू पढ़ लिया पढ़ने के बाद उस हाथ की जो मुट्ठी होगी उसको खोल कर आपने अप उनके ऊपर दम करना है और उसके बाद फ़ौरन उसी वक़्त ही आपने उनको जला देना है काली मिर्चों को जला देना है आप मोमबत्ती के ज़रिए भी जला सकते हैं चूल्हे जो घर में होते हैं उधर किचन में भी जाकर जला सकते हैं जिस तरह आपको मुनासिब कागज़ में लपेट कर भी जला सकते हैं जिस तरह आपको मुनासिब लगे वैसे आप जला दें जैसे ही आप जलाएंगे तो इसका मतलब है कि जो जिनसे आप उनसे रखते हो या जिनसे आप प्यार करते हो वो प्यारा आपकी मोहब्बत में इस तरह तड़प उठेगा कि आपकी सोच होगी और वो इतना बेचैन इतना बेकरार होगा कि वो आपकी तरफ मूव करेगा आपकी तरफ भागने की कोशिश करेगा आप एक बात याद रखें ये अमल तब करें जब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फासला हो लड़ाई हो नाराज़गी हो या किसी ने आपको ब्लॉक किया हो या किसी ने आपसे कतः तल्ल किया हो या आपसे दस साल पुराना उसका तल्लक था और नया आप बनाना चाहते हो तब ये अमल कर लें क्योंकि अमले ख़ास में से है इसका नुकसान कोई नहीं है लेकिन इसको अच्छे तरीके या अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें तो ये अमल आप करें इन शाला आपका प्यारा जो है अलहमदल आपके पास आ जाएगा अगर फ़र्ज़ करेंगे ये अमल करते वक्त मतलब कि आपका काम हो जाता है एक दफ़ा में ही हो जाता है तो फिर आप इस अमल को स्टॉप कर दें फिर अमल जब आपको महसूस हो होकर अमल करना चाहिए दोबारा तब इसको करें चांद के दिनों में करें इनशाला आपका मसला हल हो जाएगा इसी के साथ इजाज़त दें